दिल्ली से और कोलकाता एक्सप्रेस जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 2, ये दिल्ली से कलकत्ता तक जा रहा है और हम इस पे जा रहे हैं वृंदावन। हमारी कार की माइलेज नेशनल हाईवे 2 पे चल रहे हैं, इससे पहले थे KMP पे, वो खत्म हो गए, दूसरा हाईवे ले लिया है और आगे चल के यमुना एक्सप्रेस वे हो जाएगा हमारा। गाड़ी की माइलेज 14.6 आ रही है। अब हम निधिवन में आ चुके हैं। हम लगभग 2 बजे निधिवन में पहुंच गए हैं और एक निधिवन ही ऐसा है जो सुबह से लेके शाम तक खुला रहता है। बाकी मंदिरों का तो टाइम है, जैसे 8:30 से 12 बजे तक खुलते हैं, फिर शाम को 4 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन निधिवन पूरे दिन खुला रहता है। तो हमने मौके का फायदा उठाया, पाके बिहारी मंदिर अभी बंद था तो सोचा क्यों ना निधिवन में जाया जाए। यहाँ बड़े बड़े तुलसी के पेड़ हैं, ये आप जो देख रहे हैं दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े पुराने तुलसी के पेड़ हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर में शाम को 7 बजे के बाद कोई भी नहीं रुकता है, यहाँ तक कि यहाँ के बंदर पक्षी वो भी इसको छोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ शाम को जो भी रुकता है वो या तो पागल हो जाता है या अंधा हो जाता है, ये अगल बगल में रहने वाले लोगों का कहना है। ऐसा मानना है कि श्री कृष्ण जी अब भी रात को यहाँ पर विश्राम करने के लिए आते हैं। ये है इस्कॉन टेंपल। जीवन से निकलने के बाद अब हम इस्कॉन टेंपल, इसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं क्योंकि इस मंदिर में अंग्रेज ही श्री कृष्ण की पूजा में भक्ति में लीन रहते हैं। आपको अंदर दिखाएंगे कि वो कैसे कीर्तन भजन करते हैं, आप देखते रहिए। अब हम अंदर मंदिर के अंदर जा रहे हैं और आपको अपने आप ही अनुभव हो जाएगा कि विदेशियों में भी कृष्ण भगवान के प्रति कितनी आस्था है। Yeah.
हम बांके बिहारी मंदिर में पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी प्रशासन के द्वारा व्यवस्था नहीं है। हमेशा भगदड़ मची रहती है और कई बार तो इसमें भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है। मंदिर प्रशासन को चाहिए कि मंदिर में अंदर भी कम से कम ग्रिल तो लगा लें स्टील की, जैसे लाइन से चलते रहें, लोग बाग दर्शन कर लें। यहाँ अंदर ऐसा हाल है कि बच्चे, औरतें और बुजुर्ग दर्शन कर ही नहीं पाते हैं। भगदड़ में, धक्का मुक्की में वो आधे रास्ते से ही वापस हो लेते हैं। कृपया प्रशासन इस पे ध्यान दे, या मंदिर की जो समिति है वो भी इतना तो प्रबंध करें। लाखों की संख्या में यहाँ रोज श्रद्धालु आते हैं और ऐसी भीड़, ऐसी भगदड़, दो मिनट में ही बाहर दिखा देते हैं। इस मंदिर में हमें बाहर ऐसे लोग भी मिले जो ये कह रहे थे कि आप 200 रुपए दीजिए, हम आपको सीधे दर्शन करवा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम इस मंदिर में दर्शन करने के बाद बरसाना में श्री लाडली जी के दर्शन करवाएंगे। अगले दिन हम बरसाना में श्री लाडली जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गए हैं, तो हमने देखा यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, जैसे वृंदावन के मंदिरों में थी, कुछ कुछ वैसा ही हाल यहाँ पर भी है। पब्लिक को संभालने के लिए कोई बैरिकेटिंग नहीं है, लाइन नहीं है। अब धक्का मुक्की या भगदड़ हो जाए, इन सीढ़ियों से कोई बुजुर्ग कुचला जाए तो उसका क्या इंतजाम है। भीड़ ही भीड़ है यहाँ पर भी। अब हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लाइन में लगे हुए एक घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और लाइन धीरे धीरे सरक रही है। हम भी इस भीड़ में से धीरे धीरे रेंगते हुए कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। हम अपनी गाड़ी नीचे पार्किंग में खड़ी करके पैदल ही 15 मिनट के लगभग ऊपर चढ़कर आ गए हैं। माँ और पिताजी के लिए हमने वहाँ नीचे बाइक वाले ये बोले कि 50-50 रुपए में हम इनको ऊपर दर्शन करवा के और नीचे छोड़ भी देंगे, तो उन्होंने 100+100 200 रुपए माँ और पिताजी को ऊपर दर्शन करवाए और नीचे वो पार्किंग में गाड़ी के पास छोड़ करके चले भी गए। यहाँ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी मना कर रहे थे, इसलिए हमने बड़ी मुश्किल से चोरी छिपे ये थोड़ी सी क्लिप बनाई है। पुजारी जी ने देखते ही मना कर दिया था। मैं वीडियो यहीं
यहीं समाप्त कर रहा हूँ। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।